जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम निकिता और मैं ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से हूँ। हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा लिखित श्री कृष्णामृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार की। तो चलिए श्री कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप को हम आगे बढ़ाते हैं। भगवान यह उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए परधर्म से गुण रहित होते हुए भी अपना धर्म उत्तम है। स्वधर्म चरण में मृत्यु भी हो जाए तो वह भी श्रेष्ठ कार है, लेकिन दूसरे का धर्म तो भयंकर ही होता है। इसका यह मतलब है कि स्वधर्म यानी अपना धर्म यानी अपने धर्म को ही अपनाना। जो जिस आत्मा के परिणाम स्थिति में है उस आत्मस्थाई के लायक धर्म ही स्वधर्म कहलाता है। परधर्म अर्थात दूसरा धर्म यानी अन्य आत्मा के जिस परिणाम स्थिति में है उनके अपने अपने आत्मा की परिणति स्थिति के लायक धर्म। हमें जो सहज सिद्ध इच्छाएं आदि के अनुसार एक सहज स्वभाव बनता है वही स्वधर्म कहलाता है। अन्यों को निर्देशित किया गया और हमें निर्देशित न किया गया ही परधर्म है। हम अपने स्वधर्म के विरुद्ध चले या फिर अन्यों के स्वधर्म का आचरण करें यह परधर्म पालन ही होता है। उदाहरण के तौर पर शेर से सियार का टक्कर लेना उचित नहीं होता। शेर के जीवन जैसा सियार का जीवन होगा तो सियार की हानि ही होगी। सियार की स्थिति में हो तो सियार जैसा ही जीवन जीना चाहिए। स्वधर्म के विरुद्ध सियार अगर जीने के लिए प्रयास करे तो उसे कई जन्मों तक सियार जन्म ही लेना होगा। स्वधर्म अनुसार ही सियार के जीने पर एक सियार जन्म से ही पूर्ण हो जाएगा। कोई भी हो उनके अपने अपने स्वधर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। परधर्म को आचरण करने का प्रयास करने पर शेर से सियार के टक्कर जैसा ही होगा। यहां हमें ऐसा समझना चाहिए दोस्तों, एक मालिक के यहां चोर को प्रवेश करता देखकर कुत्ते के चुप रहने पर एक गधा कुत्ते का काम स्वयं करने का प्रयत्न कर लेता है यानी वो रेंगता है और मालिक उसे मार देता है और मालिक से मार खाता है। हमारी स्थिति बेहतर होने पर परधर्म ही हमारा स्वधर्म हो सकता है। लेखक हमारे पत्री जी हमको यह समझाना चाहते हैं कि गुरु जैसा करता है वैसा मत करो, गुरु जो बताते हैं वैसा ही करना चाहिए। विषय को जानना ज्ञान है, उसे सही रूप से आचरित करना ही धर्म है। ज्ञान रहने पर धर्म ज्ञात होता है। धर्म ही शाश्वत यानी सत्य है जो नित्य है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो धर्म को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। जिसका जो धर्म है वह गुण रहित होते हुए भी उसी को फॉलो करना चाहिए। हम में रहने योग्य गुण भय रहित होना, संकोच रहित होना, सदा सर्वत्र सद्धर्म आश्रय के ही शरण में होना है। स्वधर्म पालन में मृत्यु भी हो जाए तो भी कल्याणकारक ही है। कृष्ण कहते हैं कि अगर अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े तो भी अच्छा है, लेकिन कभी दूसरे के धर्म को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्री वासुदेव अर्जुन से फिर बोले, रजोगुण से उत्पन्न काम होता है और काम से उत्पन्न क्रोध होता है, यह किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं होने देता, यह महापापी है। इस संदर्भ में इसे ही तू वैरी जान। इसका यह अर्थ है दोस्तों कि सब गुणों में रजोगुण महापाप है। रजोगुण का प्रधान ही क्रोध है। क्रोध आत्मा का परम शत्रु है दोस्तों। मानव जीवन को नाश करने वाला क्रोधी है। जिन्हें क्रोध हो वे कभी तृप्त नहीं होते। क्रोध आत्मा हमेशा अशांतिमय होते हैं, परंतु आत्म परिणाम स्थिति में यह एक भी अटल स्थिति है। इस स्थिति को शीघ्र पार कर लेना चाहिए हमें। हमारे अनेकाएक जन्म व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। तो हमें यह समझना चाहिए दोस्तों, कृष्ण समझाते हैं हमें कि आखिर पापी पाप किस कारण करता है, किसी के पाप के करने की वजह क्या होती है, वो है रजोगुण। वजह है रजोगुण। इसी की वजह से काम क्रोध राग द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं जो कि पाप की वजह से होते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं।
इस भाव के आते ही हमको समझ जाना चाहिए कि हम पर शत्रु ने हावी कर लिया है और हमको उसी पल उसे रोक देना चाहिए। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैले से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। इस कथन का चलिए दोस्तों हम गहराई से अर्थ समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई कितना भी तमोगुणी हो, कितना भी तमोगुणी हो, प्रत्येक का स्वभाव वास्तव में सत्वगुणी है। प्रत्येक का यथार्थ स्वरूप पूर्ण ज्ञान ही है। उस बीज से ही, उस शेष्ट्र से ही सारे जीव पैदा हुए हैं। परंतु मैल से जिस तरह दर्पण ढका हुआ होता है, धुएं से आग जैसे ढका हुआ होता है, जेर के कारण गर्भ का पिंड ढका हुआ होता है, उसी प्रकार काम क्रोध के कारण हमारा ज्ञान ढका हुआ होता है। दर्पण के धूल को थोड़ा हटाना चाहिए। आग पर जो धुआं है लकड़ियों द्वारा उसे हिलाना चाहिए। अर्थात थोड़ा सा अभ्यास अगर हम करें, यानी अगर हम ध्यान करें, तो हम अपने आत्मज्ञान को समझ सकते हैं। हमें यह समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। यह काम क्रोध राग द्वेष आदि सभी कमियां हमारे अंदर ही हैं, जो हमारे ज्ञान को छुपा कर रख रखे हैं, हमें विवश कर देती है और हमें पाप करने के लिए उत्साहित करती है। इसीलिए हमें नियमित रूप से आनापानासति ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम इस आत्मज्ञान को, हमारे आत्मा के ज्ञान को हम जान सकें, अस्वत्व गुण को अपना सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।